गाइस आप सभी का स्वागत है GTA 5 के एक और गेम प्ले में। अगर आप सोच रहे हो मैं आखिर पहाड़ों पर आया क्यों हूँ, तो मैं आपको बता दूँ आज मैं पैराग्लाइडिंग करने वाला हूँ। वो जो आप नीचे चौपर देख रहे हो वो मेरे को आसमान में ले जाएगा, पर मेरे को वहाँ जाने के लिए पहले यहाँ से कूदना होगा। देखो मेरे पास पैराशूट भी है, चलो जल्दी से कूद कर चौपर के पास उतर जाते हैं। सच बताऊँ तो यहाँ से कूद कर भी मजा आ रहा है, पर आसमान से कूदने का अलग ही मजा है। देखो अंदर पायलट बैठा, मैं भी जल्दी से बैठ जाता हूँ। पर गाइस सच बताऊँ तो मेरे को ऊंचाई से काफी डर लगता है। चलो जो होगा देखा जाएगा। ओके तो गाइस आप देख सकते हो मैं आसमान की ओर जा रहा हूँ। यार हम तो काफी ऊपर आ गए, पायलट मेरे को कूदने को बोल रहा है पर मेरी कूदने की हिम्मत नहीं हो रही। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, अगर मेरा पैराशूट नहीं खुला तो मैं नीचे की बजाय ऊपर पहुँच जाऊंगा। चलो जो होगा देखा जाएगा, चल बे कूद जा, अब मेरे को पैराशूट खोलना होगा। ओ भाई साहब यार ऐसा करके मजा आ गया, ये उतना मुश्किल भी नहीं था। पर ये नीचे बिल्डिंग को क्या हो रहा है, उसके ऊपर इतनी सारी आग क्यों लगी हुई है। चलो गाइस वहाँ पर लैंड करके पता करते हैं आखिर हो क्या रहा है। यार यहाँ पर तो हर तरफ आग फैली हुई है, धत तेरी की, यहाँ उतरते ही मेरी बैंड बच गई। देखो यहाँ पर तो चोपर भी है, पर वो यहाँ पर कर क्या रहा है। मेरे को लगता है ये FBI का ऑफिस है, शायद इसके अंदर आग लग गई। मेरे को कैसे भी करके अंदर जाना होगा ताकि मैं लोगों की जान बचा पाऊँ। शायद इस चोपर के अंदर पुलिस वाले थे पर अभी कोई नहीं है, हो सकता है वो रस्सी की मदद से नीचे चले गए हो। लेकिन मेरे को नीचे जाने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। चलो यहाँ बॉम्ब लगाकर कांच को फोड़ देते हैं। यार ये बॉम्ब तो फूट ही नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। चलो इसको गोली मारकर देखते हैं। गाइस कांच फूट गया और मैं नीचे आ गया, लेकिन यहाँ पर भी हर तरफ तबाही हो रखी है। मेरे को कैसे भी करके पुलिस वालों को खोजना होगा, शायद वो सभी ऑफिस में होंगे। यार ये तो पूरा खाली पड़ा हुआ है, देखो वहाँ पर एक दरवाजा है, इसको तोड़ देता हूँ। ओ माय गॉड इसके अंदर से तो कोई इंसान बाहर निकल आया और उसके आग लगी हुई है। चलो उसको पास में जाकर देखते हैं। यार ये तो आग की वजह से मर गया, अब ये कौन है और ज़ॉम्बी जैसा क्यों लग रहा है, मेरे को इसको मारना होगा। गाइस इसकी तो मैंने बैंड बजा दी। यार ये तो वापस खड़ा होने लग गया, रुको वापस मार देता हूँ। चलो इस बड़े दरवाजे से होकर चलते हैं, पर मेरे को संभल कर रहना होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं दरवाजा गन से खोलूंगा। चलो अब संभल कर आगे बढ़ते हैं। यार ये सीढ़ियाँ तो नीचे जा रही है, बस वहाँ पर कोई मुसीबत ना हो। अब मैं कहाँ पर आ गया, ये जगह तो पूरी तबाह हो चुकी है और देखो जमीन पर लावा भी है, मेरे को इनसे बचकर रहना होगा। चलो देखते हैं आगे क्या है। यार यहाँ तो और भी आग वाले इंसान है, देखो मेरी तरफ ही आ रहा है, पर मैं इसका काम तमाम कर दूंगा और उस दूसरे वाले का भी, बस ये मरकर जिंदा ना हो जाए। ओ माय गॉड सामने से एक और आ गया। गाइस मैं यहाँ पर छुप गया, पर मेरे को लग रहा है वो मेरी तरफ ही आ रहा है। चल 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 भाग भाग भाग, अब इसको मार देता हूँ और उसके पीछे वाले को भी। अब मैं यहाँ पर और नहीं रुक सकता, मेरे को बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा तभी मैं बच पाऊंगा। शायद मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ, पर पहले मेरे को नीचे उतरना होगा। लेकिन थोड़ा संभल कर, यार यहाँ पर भी ज़ॉम्बी है, इसकी तो ऐसी की तीन तेजी। अब ये कुत्ते कहाँ से आ गए, इनका भी कुछ करना होगा, पर इनको तो कुछ नहीं हो रहा। चलो चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं, वही अच्छा होगा। ओ माय गॉड अब ये कौन सा दानव आ गया, हो सकता है इसी शैतान ने सभी पुलिस वालों को ज़ॉम्बी बना दिया। चलो इसको पास में जाकर मारते हैं। अबे वो तो खुद ब खुद इधर आ रहा है, पर ये क्या, वो तो घूम गया, मेरे को उसका पीछा करना होगा। लेकिन वो गया कहाँ, शायद इस दरवाजे के पीछे हो। यार ये जगह भी खाली है। ओ भाई साहब वो तो सामने चुपचाप खड़ा हुआ है, लेकिन गाइस ये अच्छा मौका है उसको यहाँ से नीचे फेंक कर मारने का। चलो चुपचाप पास में जाकर इसको पकड़ लेते हैं, अब मैं इसको नीचे फेंक दूंगा। पर ये तो यही गिर गया। अबे ओए 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 ये गोल गोल क्यों घूमने लग गया, अब देखो दीवार पर चिपक गया। आखिर ऐसा कैसे हुआ, चलो हम भी बाहर चलते हैं। ओके तो गाइस आप देख सकते हो मैं उस श्रापित जगह से बाहर आ गया, पर मेरे को एक बात पता नहीं चली कि वो दानव मरा है या नहीं। यार वो तो बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है, अब वो शहर की बैंड बजा देगा, मैं इसको नहीं मार सकता। अच्छा होगा यहाँ से भाग जाऊँ, नहीं तो उसके हाथों मारा जाऊंगा। अरे वाह यहाँ पर तो चोपर पड़ा हुआ है, दस तेरी की वो दानव भी आ गया, मेरे को इसको जल्दी उड़ाना होगा। यार उसने तो चोपर पर हमला कर दिया, मैं उसको मारे बिना नहीं जा सकता, कुछ तो करना ही होगा। चलो उसको चोपर की गन मशीन से मारते हैं और मैं तब तक मारता रहूंगा जब तक वो मर ना जाए। चलो गाइस उतर कर देखते हैं। अबे इसको हुआ क्या, ये इतना अजीब क्यों खड़ा हुआ है, रुको इसको गोली मार देता हूँ, लगता है अब मर गया। लेकिन आप मेरी हालत देख रहे हो, उसने कितनी खराब कर दी। पर अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और चाहते हो मैं ऐसे शानदार वीडियो बनाता रहूं, तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब बटन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा।